नमस्कार, मैं दिलीप जोशी मुंबई से। सच के आई न्यूज़पेपर 30 सालों से निरंतर पाठकों की सेवा में हाजिर रहा है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि निरंतर ये पत्र जो है पाठकों को लुभाता रहे। अगले महीने की 11 तारीख यानी 11 जुलाई को ये 30 साल पूरे कर रहा है। मेरी तरफ से पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। फिरोजाबाद नगर के पालीवाल हॉल में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्य सांसद मुनकार अली, हेमंत यादव, प्रताप सिंह बघेल, प्रदेश महासचिव ने आगामी चुनाव के संबंधित रूपरेखा तैयार करने के लिए बसपा सिपाहियों को तैयार रहने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय महासचिव मुनकार अली ने कहा कि बसपा पार्टी की एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुस्लिमों को एक समान मिलकर बिना भेदभाव के कार्य करती है। इस पार्टी में सभी धर्म जाति के लोगों के सम्मान को रखा जाता है। भाजपा पार्टी के सत्ता में आने के बाद लोगों को मारने पर विवश कर दिया है। नोटबंदी के बाद लोगों में धर्म के नाम पर डालने का कार्य किया जाता है। जनता इनको पहचान चुकी है। आगामी 2019 के चुनाव में जनता इनको जवाब देगी। हम लोगों को अपने अपने क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को सुनते हुए उनकी समस्या का निस्तारण करने के लिए संघर्ष करना होगा। किसी भी कार्यकर्ता का मनोबल गिरने नहीं दिया जाएगा। बसपा का प्रत्येक सिपाही अपनी पार्टी के लिए तन मन धन से सेवा करता रहेगा। सम्मेलन की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सालिग्राम सिंह द्वारा की गई। संचालन डॉक्टर ज्ञान सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विश्वदीप सिंह, प्रमोद बघेल, राकेश बाबू पूर्व विधायक, शैलेंद्र सैली, कोमल सिंह कुशवाहा, ब्रजमोहन, प्रताप सिंह बघेल, अजीत पाल, हेमंत प्रताप सिंह, सत्यप्रकाश, सफात खान राजू महानगर अध्यक्ष के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिरोजाबाद से सौरा सिंह की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। मौका नहीं दिया, हमारे लोगों को खरीदा गया, चलाया गया, धमका गया, लेकिन हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भीमराव अंबेडकर को दोबारा एमएलसी का टिकट देकर बहन कुमारी मायावती ने विधानसभा में पहुंचाने का काम किया। ऐसे नेता है बहन कुमारी मायावती, और करके दिखा दिया। जो बहन जी कहती है वो करके दिखाती है। जो लोग कहते थे कि मोदी के रथ को कोई रोक नहीं सकता, इस नाइंसाफी करने वाले मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह को कोई रोक नहीं सकता, बहन जी ने कहा, जिसको हम रोक कर दिखाएंगे। गोरखपुर का इलेक्शन लिया हुआ, यह तमाम लोगों के सामने मैं कहना चाहता हूँ, गोरखपुर में जो भारतीय जनता पार्टी की 10 बार की जीत हुई सीट थी, 5 बार से वर्तमान मुख्यमंत्री जीते, इनसे पहले इनके 5 बार गुरु जी थे, एक बार हिंदू महात्मा थे इनके गुरु जी थे, लेकिन उनको हराने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, यहाँ एक एक बूथ में एक एक मंत्री लगा हुआ था। हेमंत जी, आज पालीवाल हॉल में किस तरह की यहाँ सम्मेलन किया गया? आज श्री लक्ष्मी नारायण बघेल जी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी से आशीर्वाद प्राप्त करके उनसे मिलकर आए कुछ दिन पूर्व। आज उनके माननीय बहन जी से मिलकर आने के बाद बहुजन समाज पार्टी की रीति नीति और सिद्धांतों से वो बहुत खुश हुए, और बहुजन समाज पार्टी में उनके शामिल करने की विधि घोषणा करने के लिए आज एक जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। हेमंत जी, आने वाले 2019 के बारे में रणनीति क्या रहेगी? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश में जिस प्रकार से सर्व समाज के लोग दुखी और परेशान है, सर्वनेता सर्वजन सिखाए की नीति पर चलकर माननीय बहन कुमारी मायावती जी आने वाले समय में इस केंद्र की सरकार को उखाड़ने का जो संदेश उन्होंने दिया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने फूलपुर और कैराना से कर दी है, ये 2019 में पूरी